हम जब भी इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब पढ़ते हैं तो कुछ शब्द हमको आते हैं। वो शब्द ऐसे होते हैं कि उनका हमको अर्थ तो पता होता है, लेकिन उसका इतिहास और उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा था हमको जानकारी नहीं होती। जैसे हमको ये नहीं पता होता है कि बाजारवादी व्यवस्था क्या होती है, जिसको आप पूंजीवादी व्यवस्था भी बोलते हैं, साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। आज का हमारा क्लास इसी पर फोकस होगा। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे ये जो अव्यवस्थाएं हैं, जिनको आप अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं, इनका विकास कैसे हुआ और ये जो विकास क्रम था उसकी सीक्वेंसिंग क्या थी। हम लोगों ने यूरोप से लेकर पूरे विश्व का इतिहास पढ़ा हुआ है और उस इतिहास में हमने ये देखा है कि जो हमारे यहाँ कंपनियां क्या करने हैं, व्यापार करने आ रही थी, उसमें क्या होता था, पहले राज्यों का अधिकार होता, अर्थात राज्य के नियंत्रण में कंपनियां क्या करती थी, काम करती थी, और इन्हीं नियंत्रण की वजह से हमने देखा है कितने युद्ध होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये राज्य वाली व्यवस्था चल रही होती है, उसमें एक चीज दिक्कत ये आ रही होती है कि जब राज्य ही ये डिसाइड कर रहा है कि कौन व्यक्ति किस चीज का प्रोडक्शन करेगा, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, कितनी कीमत में मिलना चाहिए, कितनी कीमत में नहीं मिलना चाहिए, कौन सामान बेचेगा, कौन नहीं बेचेगा, कौन उत्पादन करेगा नहीं करेगा, तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए एक नाम आता है, वह होता है एडम स्मिथ का। ये 1776 में एक सिद्धांत देते हैं और ये सिद्धांत जो आता है, एक इनकी बुक आती है उसके माध्यम से लाते हैं, यह होता है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इनकी किताब का नाम होता है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें ये कहते हैं कि जो भी बाजार की क्रिया है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात इसको क्या कर देना चाहिए, मार्केट के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस चीज का उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन करेगा, उसकी कीमत क्या होगी, यह निर्धारित राज्य ना करे, यह कौन करे, बाजार। फिर इनसे पूछा गया कि बाजार कैसे करेगा, तो इन्होंने वही चीज बताया कि डिमांड और सप्लाई का जो नियम है यह बाजार में चलता रहता है, और डिमांड जिस चीज की ज्यादा होती है तो जो प्रोडक्शन करता है वो क्या करते हैं, उसी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं। ऐसे ही उपभोक्ता के पास क्या होता है, विकल्प होता है कि कीमत को लेकर जब 10 लोग कीमत बेचने वाले हैं तो स्वाभाविक है बार्गेनिंग क्षमता किसके पास आ जाती है, उपभोक्ता के पास आ जाती है, और उपभोक्ता यह डिसाइड कर पा रहा होता है कि वह कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान किससे खरीदे। इस पद्धति से क्या होता है कि एक तो उत्पादक वर्ग को हमेशा इंस्पिरेशन मिलता रहता है, दूसरा स्पेशलाइजेशन भी होता है। अगर एक व्यक्ति हर काम करे, उसको ये पता ही ना हो उसको क्या करना है, स्वाभाविक है वह अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। अगर ये सबके ये फिक्स हो जाए, अर्थात सब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्रोडक्शन करने लगे, तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा और उपभोक्ता को क्या होगा कि सभी सामान आसानी से मिलेगा। यही जो व्यवस्था है, यह जब 1776 में क्या हो रहा है, किताब आ रही है, तो इसी किताब के माध्यम से यह विचार फैल रहा है और अमेरिका इस विचार को अपनाने वाला सबसे पहला देश बनता है और वहां पे जो व्यवस्था विकसित होती है उसी को बाजारवादी व्यवस्था बोलते हैं। क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है कि बाजार पर नियंत्रण ना हो। जब बाजार पे किसी का नियंत्रण ना हो तो ऐसी पद्धति जो बाजार बनता है, जो अर्थव्यवस्था बनती है, उसको बाजारवादी व्यवस्था बोलते हैं। इस बाजारवादी व्यवस्था में एक दिक्कत यह होती है कि पूंजी का संकेंद्रण उत्पादक के हाथ में होता है। अर्थात मान लीजिए ये मार्कर बनाने वाला एक व्यक्ति है तो वह क्या करेगा, जितने भी मार्कर बना रहा है वो सभी लोगों को, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, सभी लोगों से जो उसका धन का प्रवाह होगा किसके पास होगा, उत्पादक के पास होगा। ये अभी भी होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अर्थव्यवस्था भी विकसित हो रही है। यह 1770 का डिकेड है, उस समय क्या है, लेबर कानून से लेकर अन्य चीजों की अभी इतना विकसित स्वरूप नहीं हो पाया, कानून इतना विकसित नहीं हो पाया है। तो हो क्या रहा था, यहां पर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ जहां पर क्या था, उत्पादक वर्ग के पास पूंजी का संकेंद्रण होता गया और यही संकेंद्रण क्या कहलाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है।
और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है तो इसमें ये चीज देखा जाता है कि जो पूंजी हो रहा है वो उत्पादक के हाथ में संकेंद्रण हो रहा है, तो स्वाभाविक है इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई विचारधारा जरूर उत्पन्न होगी। और इसके अगेंस्ट में जो विचारधारा को लेकर आने वाले व्यक्ति है वह कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इस जो पद्धति है इसमें क्या होता है, ये शोषण आधारित और विषमता को बढ़ाने वाली पद्धति है जिसको बाजारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना गया जा रहा है। दरअसल एक शोषण की पद्धति। अब इस शोषण की पद्धति को कहते हैं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और ये जो चेंज होना चाहिए वो इस रूप में होना चाहिए कि किस चीज का उत्पादन होगा यह अगर बाजार निर्धारित करेगा तो स्वाभाविक है वह क्या करेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा। अगर प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो वह उससे होगा क्या कि इससे एक विषमता बढ़ती चली जाएगी और जो राज्य जैसी व्यवस्था है, जो संकल्पना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बनी थी वह क्या होगी, अब नहीं रह पाएगी। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, यह जो व्यवस्था है शोषणकारी है और इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और जो परिवर्तन होता है उसी को आपने साम्यवादी व्यवस्था का उनका जो सिद्धांत है उसमें पढ़ा होगा। उसको अर्थव्यवस्था से थोड़ा समझ के देखें तो यह कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है यह मुक्त रूप से या फिर अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, इस पर राज्य का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, ताकि राज्य क्या कर सके, कल्याणकारी कार्य करते हुए अधिक से अधिक लोगों का क्या कर सके, हित कर सके। और जब अधिक से अधिक लोगों का हित कर सकेगी तो यही क्या था, राज्य के संकल्प। तो स्वरूप दिखाई देता है, वह दिखाई देता है 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति है उसमें। ये जो क्रांति हो रही कहां हो रही है, विश्व इतिहास से अच्छे तरह से आप परिचित हैं, यह हो रही है सोवियत संघ में। सोवियत संघ में ये जो क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद वहां जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बढ़ता है बनता है उसमें एक मार्क्स का विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। और उसमें जो सोवियत संघ में जो अब आर्थिक प्रणाली यूज की जाती है उसको समाजवाद के नाम से जानते हैं, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके अगेंस्ट में आई थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। अर्थात ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था आई इसमें क्या कहा गया कि सभी संसाधनों पर क्या होगा, नियंत्रण सामूहिक होगा। अर्थात जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक वर्ग के हाथ में संसाधनों का नियंत्रण चला जा रहा था, इसमें क्या होगा, संसाधनों पर जो नियंत्रण रहेगा वह सामूहिक होगा। और इसी का एक जो है समाजवादी व्यवस्था का ही एक विकसित रूप या एक दूसरा पैटर्न कहां दिखाई देता है, चीन में, और उसको बोला जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अर्थात जो विचार किसके थे, मार्क्स के थे, उस विचारों के कुछ परिवर्तन करके जो पद्धति चीन में अपनाई जा रही है उसको बोला जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था सामूहिक, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था इससे इस रूप में भिन्न है कि हाथ पर संसाधनों के साथ साथ श्रम पर भी नियंत्रण किसका है, वह है सरकार का। अर्थात सरकार यह निर्धारित कर रही है कि किसको क्या काम करना है और कैसे करना है और संसाधनों पर किसका नियंत्रण रहेगा। अर्थात यह जो व्यवस्था दिखाई देती है इसमें क्या दिखाई देता है कि राज्य का नियंत्रण बढ़ गया। एक तरफ एक विचारधारा चल रही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो दूसरे चल रही समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और इन्हीं दोनों अर्थव्यवस्थाओं के संघर्ष को हम किस रूप में देखते हैं, शीत युद्ध के रूप में देखते हैं। यह जो व्यवस्थाएं हैं स्वाभाविक है दोनों की कुछ अपनी खासियत है तो दोनों की कुछ लिमिटेशन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कर्ता को लाभ हो रहा है, प्रोडक्शन अधिक से अधिक करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा उत्पादक वर्ग से पैसा छन कर कहां, नीचे ग्रामीण क्षेत्र तक, मजदूर वर्ग तक पहुंचेगा। तो इस व्यवस्था में यह माना जा रहा है कि राज्य क्या करेगा, कल्याणकारी कार्य करेगा और कल्याणकारी कार्य करते हुए क्या करेगा कि सबका विकास करने का प्रयास करेगा।
लेकिन यह जो व्यवस्थाएं हैं दोनों की अपनी लिमिटेशन यह है, यह जो व्यवस्था सोवियत संघ वाली होती है इसमें क्या होता है, उत्पादक वर्ग को कोई इंस्पिरेशन नहीं है कि वह प्रोडक्शन क्यों ज्यादा करे। ऐसे ही यह हम बाजारवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि यहां पे यह नियंत्रण नहीं है कि यहां पे जो असमानता बढ़ती जा रही है उसको क्या किया जाए। इन्हीं दोनों के बीच एक घटना और घटती है और वो जो घटना घटती है उससे अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आता है। और यह जो परिवर्तन आता है इसी परिवर्तन की आधारशिला किसी एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दे रही होती है। होता यह है कि 1929 में क्या होता है, आर्थिक मंदी आती और इस आर्थिक मंदी की चपेट में अमेरिका के साथ साथ यूरोप के वो अन्य देश भी आ जाते हैं जहां पर क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा था, पूंजी का संकेंद्रण एक व्यक्ति विशेष के हाथ में हो रहा था, जबकि जो रोजगार करने वाले थे जो किसान थे वह क्या कर पा रहे थे, वह इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। इससे हो यह रहा था कि जो नीचे तक जो उपभोक्ता वर्ग है यह उत्पादक है, यह क्या है, यह उपभोक्ता है, इनके पास क्या है, इनके पास आय ही कम हो जा रही है। जब आय कम हो जा रही है तो क्या करेंगे, यह डिमांड कम कर देंगे और जो डिमांड कम कर देंगे तो क्या होगी, मंदी की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अब क्या होता है, एक चेंज लाने का प्रयास किया जाता है और यह जो चेंज लाने का प्रयास किया जाता है यह किया जाता है जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा। जॉन मेनार्ड किन्स 1936 में एक किताब लिख रहे हैं द इंप्लॉयमेंट द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जॉन मेनार्ड किन्स द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यह इनकी किताब है। यह कब आ रही है, 1936। इस किताब के माध्यम से यह कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके स्वरूप में चेंज होना चाहिए और राज्य को उस पर क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप इस रूप में करना चाहिए जिससे क्या हो, सभी लोगों तक आय क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके और ये आय जब सुनिश्चित होगी तो क्या होगी, आर्थिक मंदी जैसी दशा नहीं आएगी। अर्थात इस आर्थिक मंदी ना आए इसके लिए क्या करना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चेंज करना। और इसका प्रभाव भी हुआ 1930 के डिकेड में जितने देश प्रभावित थे उन्होंने क्या किया, अब कुछ सुविधाएं उन्होंने कम कीमत पर नागरिकों को देनी चालू कर दी और जो कम कीमत पर नागरिकों को देने चालू कर दी इनको बोला गया है पब्लिक गुड्स। अर्थात जैसे जो आवश्यक वस्तु और सामान और सेवा है उसको सरकार के द्वारा अब क्या किया जाने लगा, कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाने लगा। ये जो कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि क्या हो कि एक डिमांड की कंडीशन बनी रहे। यह तो था, इसी से अब आगे चलकर इसमें क्या हुआ था, ये जो चेंज आया था किन्स महोदय ने किसमें चेंज करने का प्रयास किया था, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे ही 1950 के दशक में ऑस्कर लांच एक व्यक्ति हैं, यह कह रहे हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में भी क्या होना चाहिए, साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन इनकी बात को उस समय स्वीकार नहीं किया जा रहा है और समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था में कोई चेंज नहीं हो रहा है और इसी का खामियाजा क्या होता है, उनको भुगतना पड़ता है और वहां पर उत्पादन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके वजह से दिक्कतें होती हैं और इसी दिक्कत का परिणाम होता है सोवियत संघ का विघटन। हालांकि सोवियत संघ अपने विघटन से प्रारंभ में दो शब्द यूज करता है और वह अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता है लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है। ये जो शब्द होते हैं यह होता है ग्लासनास्ट और प्रेस्त्रोइका। इसका अर्थ होता है खुलापन
और इसका होता है पुनर्संरचना। अच्छा रिकंस्ट्रक्शन, अर्थात यूएसएसआर में क्या हो रहा है, 1980 के दशक के अंत में वहां की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह किया जा रहा है कि जो व्यवस्था में अभी खुलापन नहीं था उसको खोला जाए और उसको नए सिरे से ढालकर नए सिरे से बनाया जाए ताकि उत्पादन को के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। ऐसे ही एक प्रयास 1985 में कहां पे होता है, वो होता है चीन में। चीन क्या करता है 1985 में क्या करता है, ओपन डोर की पॉलिसी अपनाता है, और ये ओपन डोर की पॉलिसी जो अपनाता है इसको बोला जाता है बाजार समाजवाद। अर्थात अब जो चीन जिसका झुकाव किस पर था, अर्थात राज्य की नियंत्रण में था, अब उसका झुकाव किसकी तरफ हो रहा है, बाजार की तरफ। इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने दरवाजे को खोल रहा है, और ये अपने दरवाजे को जैसे ही खोलता है वर्तमान समय में वो दिखाई दे रहा है कि वहां पे प्रोडक्शन का लेवल क्या है, अर्थात ये जो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा है क्या बढ़ा है, इसलिए बढ़ा ताकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई कि राज्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बाजार को कुछ क्षेत्र सौंपे गए उसने अपने। यह तो था कि एक बाजारवादी व्यवस्था में क्या चेंज हो रहा है और एक समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था में क्या चेंज हो रहा है। अब इन्हीं दोनों के मिक्सअप से एक और व्यवस्था मिलती है, वह होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका आप इतिहास कहां देख सकते हैं, 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन है वहां तक जाकर आप देख सकते हैं। अर्थात ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें क्या किया जाता है, राज्य भी कार्य करेगा और बाजार भी कार्य करेगा, बस ये होगा कि राज्य और बाजार ये डिसाइड करेंगे कौन क्या क्या कार्य करेगा। अब इसी के संदर्भ में आपको क्या करना है, समझना है भारत के कंडीशन को। 1940 के दशक में जब क्या हो रहा है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसी समय उपनिवेशवाद से जो देश ग्रसित हैं वह आजाद होते हैं। जैसे जैसे ये देश आजाद हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, यह अपनी नई मांग कर रहे हैं, अर्थात अभी कह रहे हैं कि अब इनको आजादी चाहिए। अब जब इनको आजादी मिल जाती है तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है यह किस अर्थव्यवस्था को अपनाए। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं तो फिर उनको क्या है, उसी उपनिवेशवाद का डर है जिससे वो आक्रसित थे। दूसरा अगर समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं तो इनके यहां दिक्कत यह है, इनके पास रिसोर्स इतने है नहीं। तो अब यह क्या करते हैं, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, और यही जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाद में जब ये 1940 के दशक में अपना रहे हैं तब तो पूरा विश्व ये कह रहा है कि कोई अर्थव्यवस्था नहीं है और यह ठीक नहीं। लेकिन 1990 के दशक के बाद क्या होता है, यह सिद्ध हो जाता है कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्या है, सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था। कारण यह है कि इसमें राज्य भी काम कर रहा है, बाजार भी काम कर रहा है, और राज्य तब तक बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक क्या हो, बहुत जरूरी ना हो जाए। अर्थात बाजार स्वतंत्र रूप से काम करता रहेगा, उत्पादन होता रहेगा, और उसमें तभी राज्य क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा जब वो जरूरी समझे। भारत के संदर्भ में अगर इसको देखें तो हम जब 1947 में आजाद होते हैं तो हमारी भी कंडीशन अन्य वर्तमान समय के विकासशील देशों से अलग नहीं होती, हमारे पास भी रिसोर्स होते नहीं है, और हम क्या कहते हैं, हम समाजवादी की वो हमारा झुकाव तो होता है लेकिन उस अर्थव्यवस्था को हम अपना नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की लिमिटेशन है। तो सरकार क्या करती है कि कुछ क्षेत्रों पे वो कहती है कि सरकार के नियंत्रण पे रहेंगे और बाकी क्षेत्रों को क्या करती है, वो निजी क्षेत्र को सौंप देती है कि वो निजी क्षेत्र काम करे। यह जो व्यवस्था है किसी यही किसका उदाहरण है, अर्थात भारत ने 1947 में जब वो आजाद होता है उसी समय मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को धारण कर लेता। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को धारण करता है उसमें एक अंतर यह है कि समय के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था का खुलापन धीरे धीरे बढ़ता।
जब 1947 के हम आजादत मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है और सरकार क्या करती है कि अधिकांश जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उसमें सरकार का नियंत्रण रहेगा और जिन क्षेत्रों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है निजी क्षेत्र को सौंप दिए जाते हैं। लेकिन 1980 के दशक तक आते आते कंडीशन बदल जाती है और 1991 में क्या करते हैं हम ऐसी एक अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं जिसको हम एलपीजी के नाम से अर्थात लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था तो अपना ली थी लेकिन हमारा अधिकांश झुकाव हमारी आजादी के बाद किसकी ओर बना रहा समाजवाद की ओर अर्थात राज्य का नियंत्रण ज्यादा रहा जबकि 1980 के दशक के बाद क्या होता है बाजार की स्वतंत्रता ज्यादा सौंप दी जाती है और निजी और राज्य क्या करता है अपने आप को एक रेगुलेटरी एजेंसी के रूप में क्या करता है कन्वर्ट करता है और इससे क्या होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है जिसमें राज्य सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है रेगुलेट कर रहा है और बाजार स्वतंत्र रूप से राज्य की एक जिम्मेदारी उसको जो समाजवाद की अवधारणा से मिली होती है वो कौन सी थी कल्याणकारी अर्थात राज्य क्या कर रहा है कल्याणकारी काम कर रहा है और ये जो कल्याणकारी काम कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो। जो विषमता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बन गई थी वो है यहाँ पे ना बनने का लेकिन हर अर्थव्यवस्था में जो भी बनाया जाता है उसकी कुछ लिमिटेशन रह जाती हैं और भारत के संदर्भ में यही लिमिटेशन रह गई थी। इसको हम आगे समझेंगे। एक डिवाइडेशन का अर्थव्यवस्था का और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम समझ लेते हैं। वह है डेवलप्ड इकॉनमी और दूसरा है डेवलपिंग इकॉनमी। यह जो है एक अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक नया पद्धति है। इसमें यह कहा जा रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्था कौन से हैं और विकासशील अर्थव्यवस्था कौन से। तो विकसित अर्थव्यवस्था उनको कहते हैं जिनका नेशनल इनकम क्या हो ज्यादा हो पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय क्या हो ज्यादा जिनकी अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी और टर्शियरी उद्योगों का या सेवा का क्या हो भूमिका ज्यादा जिनके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो ज्यादा जिनके पास क्या हो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो आधारभूत संरचना क्या हो डेवलप हो जिनके यहाँ पर क्या हो लिटरेसी रेट ज्यादा हो जिनके यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा क्या ज्यादा हो जिनका एचडीआई क्या हो ज्यादा हो वह क्या है डेवलप्ड कंट्री। वहीं विकास डेवलपिंग कंट्री से तात्पर्य जिसमें भारत भी शामिल होता है क्या है जिसके यहाँ क्या है एग्रीकल्चर पे क्या है निर्भरता ज्यादा है जिसकी अधिकांश जनसंख्या क्या है वह साक्षर अभी नहीं हो पाई गरीबी क्या है ज्यादा है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है साथ ही साथ यहाँ शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर जैसी समस्याएं अभी भी जटिल बनी हुई जहां पर क्या पर है पूंजी निर्माण की दर क्या है कम है और पूंजी निर्माण की दर कम है तो इससे क्या होगा उत्पादन का स्तर भी क्या है कम है इससे क्या होगा इन पर आयात पर निर्भरता बनी रहेगी जबकि डेवलप कंट्री पे आयात पर निर्भरता नहीं रहे इनका क्या होगा एचडीआई भी क्या होगा कम होगा यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या क्या होगी ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगी शहरी जनसंख्या ज्यादा अर्थात संसाधनों का किस रूप में कैसा यूज हो रहा है यही इसका डिवाइडेशन का। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री में ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है लेकिन संसाधन जो है उनका दोहन सही से हो पा रहा है जरूरी नहीं है अर्थात यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको टेक्नोलॉजी का भी अभाव दिखाई देगा और इसके वजह से क्या होगा संसाधन का यूज सही से नहीं हो पा यही एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक आधार। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है उच्च आय वाले देश मध्यम आय वाले निम्न आय वाले देश का एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसको हम अलग से अभी समझें। हम अपनी पूरी इस क्लास को अगर समराइज करें तो हमको क्या पता चला कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं
एक सबसे पहले हमको पता चली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हमने किसको बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा पता चला मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चौथा हमको पता चला विकसित अर्थव्यवस्था। तो उसके बाद पता चलाया हमको विकासशील अर्थव्यवस्था। यह जो विकसित और विकासशील है वो कुछ नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के फलस्वरूप विकसित हुए कुछ देशों की अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण। अब हमको यह समझना है कि कैसे हम यह कैलकुलेट करेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होती, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम डिसाइड करते हैं किस देश की कंडीशन क्या है।